अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एस्प्रिन यानी मोच आना पर बात करूँगा और होम्योपैथिक के इसमें ट्रीटमेंट पर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आइए जानते हैं कि मोच एस्प्रिन कैसे आती है। एंकल जॉइंट यानी टखने के जोड़ पर किसी भी हादसे की वजह से चोट लग जाए, पथरीली जगहों पर चलने से टखना मुड़ जाए, लड़ाई झगड़े के दौरान डंडा वगैरह लग जाए, मोच आने से ना तो हड्डी टूटती है और ना ही जोड़ निकलता है, बल्कि जोड़ के इर्द गिर्द मौजूद टिश्यूज और बाफ्ते कट और फट जाती हैं, जिसे गोश्त का फट जाना भी कहते हैं। मोच जिस्म के किसी भी जोड़ में आ सकती है, मगर टखने में मौजूद आना आम बात है और तकलीफ देह भी है, क्योंकि पूरे जिस्म का वजन टखने और पाँव पर होता है। जिस जोड़ में मोच आती है इसमें शदीद दर्द होता है और जोड़ को हरकत नहीं दी जा सकती। अगर हरकत दी जाती है तो दर्द में शिद्दत के साथ इजाफा हो जाता है। टखने में मोच आने से मरीज चल फिर नहीं सकता। मोच आने से जोड़ में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है और शदीद दर्द होता है और बाद दफ़ा इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ मुतवरम यानी सूज जाता है। ठंडे पानी से या बर्फ़ से टकोर करने से दर्द में को आराम आता है। टखने में मोच आ जाए तो उसे जिस्म से थोड़ा ऊपर उठाकर रखने से आराम आता है। जिस जोड़ में मोच आ जाए इसे ज़्यादा हरकत ना दी जाए और आराम से रखा जाए और मुतासरा जोड़ को जिस्म के लेवल से थोड़ा ऊंचा रखा जाए। ठंडे पानी से पट्टी या बैंडेज को ठंडे पानी से तर करके टखने के जोड़ पर पट्टी बांधें। ये बैंडेज एड हिंसे के शक्ल में बांधने से टखने के दर्द में कमी आती है और बार बार इस बैंडेज को ठंडे पानी से तर करते रहें। किसी भी जोड़ में मोच आने पर और टखने के जोड़ में मोच आने पर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि जोड़ और टखने में मोच ही आई है, जोड़ की हड्डी में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया या जोड़ निकल तो नहीं गया, क्योंकि बाद दफ़ा इन जोड़ों पर हड्डियों के मामूली टूट जाने से जैसे बाल बराबर फ्रैक्चर भी कहते हैं की वजह मोच आने जैसी अलामत पैदा हो जाती हैं। इसलिए एक्सरे करवा कर यकीन कर लेना चाहिए कि मोच ही आई है। तो आइए अब होम्योपैथिक में मोच आने के ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप मेरी वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखेंगे और सुनेंगे तो आपको अपनी कंडीशन और अलामत के मुताबिक मेडिसिन को यूज़ करने में आसानी होगी। अगर कोई दिक्कत पेश आए तो मुझसे फेसबुक मैसेंजर पर SMS के ज़रिए एडवाइस ले सकते हैं या अपने किसी करीबी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए अब ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। मोच आने पर जब कोई मरीज़ मेरे पास इन्फेक्शन और सूजन यानी इन्फ्लामेशन पैदा हो जाने से पहले आ जाता है तो मैं आर्निका मदर टिंक्चर एक हिस्सा और ठंडा पानी 5 हिस्से मिलाकर इसको अच्छी तरह हल कर लेता हूँ। ये आर्निका और ठंडे पानी का एक लोशन तैयार हो जाता है। अब मैं इस लोशन से कपड़े को तर करके मुतासरा जोड़ पर टकोर करता हूँ और ये टकोर उस वक्त तक करता हूँ जब तक कि मरीज़ को आराम ना आ जाए। इसके साथ साथ आर्निका 30 हर आधे घंटे के वक्फे से 2 कतरे ज़बान पर टपकाता रहता हूँ जब तक के आराम ना आ जाए। टकोर के दौरान आर्निका लोशन का अच्छी तरह ठंडा होना ज़रूरी है। ये अमल ऐसा ही है जैसे आप तेज़ बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियाँ करते हैं, ऐसे ही आपने ठंडे आर्निका लोशन की मोच वाले जोड़ पर पट्टियाँ करनी हैं। इसके अलावा जब मरीज़ मोच आने के बाद जोड़ में सूजन आ जाए और मोच हुए ज़्यादा टाइम गुजर गया हो तो आर्निका मदर टिंक्चर का लोशन गर्म पानी से तैयार करता हूँ, यानी कि एक हिस्सा आर्निका मदर टिंक्चर और 5 हिस्से गर्म पानी का लोशन तैयार करके मुतासरा हिस्से जोड़ पर पट्टियाँ करता हूँ और आधे घंटे के वक्फे से आर्निका 30 आराम आने तक यूज़ करवाता हूँ। मरीज़ को मुकम्मल आराम में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा जब मरीज़ को मोच आने के बाद शदीद बुखार हो, बेचैनी नाकाबले बर्दाश्त हो तो एकोनाइट 30 बुखार ख़त्म होने तक यूज़ करवाता हूँ। इसके अलावा आर्निका 30 और फेरम फास्ट 6X दिन में 4 मरतबा बारी बारी देने से भी मोच से मुतासरा जोड़ को फौरन आराम आ जाता है।
अगर मौज जिद्दी किस्म की हो और किसी सूरत आराम ना आ रहा हो तो एक्वानाइट 30, अर्निका 30, फेरम फास्ट 30 और बैलेंस प्रीमियस 30 बारी बारी दिन में 4 मरतबा यूज़ कराने से पहले दिन ही बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है और 5 से 10 दिन मुकम्मल यूज़ कराने से और अर्निका लोशन की पट्टियाँ मुतासर जोड़ पर रखने से मुकम्मल आराम आ जाता है। इसके अलावा अर्निका 200, रिस्टॉक्स 200 और रूटा 200 बारी बारी दिन में 2 दफ़ा यूज़ कराने से और अर्निका मदर टिंक्चर के लोशन से पट्टियाँ करने से छोटे बड़े जोड़ों की मोच ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को मोच आने की आदत बन जाती है और उनको अक्सर ही मोच आ जाती है, तो ऐसे मरीजों को कार्बो एनी मेलिस 30, नेट्रम कार्ड 30 और सलेशिया 200 और अर्निका लोशन की पट्टियाँ करने से कुछ अर्से ऊपर बताई गई मेडिसन साथ यूज़ करने से मुसलसल मोच आने की आदत ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मोच आने पर होम्योपैथिक जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। अगर आप ये मेडिसन अपनी कंडीशन और अलामात के मुताबिक यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मौज की तकलीफ़ कितनी तेज़ी से ठीक हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी नई आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।